मोटरसाइकिल से सवार होकर तीन जने जा रहे थे जी। और रास्ते जी माता की चुन्नी चैन के फस गई सी, फिर जी धौन जी धड़ नाल वक् हो गई। हम रोज़ मुक्तसर जाते हैं और लिफ्ट दी थी और धीरे धीरे जा रहे थे, आंटी के वो चक्कर आ गया और ऐसे करके उन्होंने पीछे हो गए और चुन्नी फंस गई। और नीचे गिर के मैं और मेरे फ्रेंड ने चीख मारी और मैंने देखा भी क्या हो गया, तो साथ के साथ मैंने बाइक रोका और घबरा गया और मैंने बाइक भी छोड़ के नीचे फेंक दी। साथ में पीछे बैठे थे, मैं पूछ रहा था, इनसे बात कर रहा था, मेरी लड़की के पास लड़की हुई है, उनसे मिलने जा रही हूँ। तो पीछे जब बैठे थे एकदम चक्कर आया, पता नहीं क्या हुआ, और चुन्नी इसकी टायर में अड़क गई। खबर सामने आई है जिथे मोटरसाइकिल विच चुन्नी फसण कारण एक बुजुर्ग औरत दा सिर धड़ तो अलग हो गया। जानकारी अनुसार मृतक औरत अपने गुआंढी नाल मोटरसाइकिल ते सवार होके अपनी धी नूं मिलन जा रही सी। तां रस्ते विच अचानक ही बुजुर्ग महिला दी चुन्नी मोटरसाइकिल दी चैन विच फस गई, जिस कारण उसकी गर्दन उसके धड़ तो अलग हो गई अते ओह जमीन ते डिग गई। नीरज शर्मा। हम घर से चले थे जब, आंटी रात को भी आए थे और सुबह भी आए थे, हमें बोलते मुक्तसर ले चलो, तो हमने बोला चल कोई बात नहीं ले चलें, कि इनके जान पहचान के ही है, मेरे फ्रेंड है ये, हम रोज़ मुक्तसर जाते हैं। और लिफ्ट दी थी और धीरे धीरे जा रहे थे, आंटी के वो चक्कर आ गया और ऐसे करके उन्होंने पीछे हो गए और चुन्नी फंस गई और नीचे गिर के मैं और मेरे फ्रेंड ने चीख मारी और मैंने देखा भी क्या हो गया, तो साथ के साथ मैंने बाइक रोका और घबरा गया और मैंने बाइक भी छोड़ के नीचे फेंक दी और मैं घबरा गया। और कुछ नहीं, हम रोज़ मुक्तसर जाते हैं, जॉब करते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को 6 बजे आ जाते हैं, और कुछ नहीं। और लिफ्ट दी थी और पूछ के ही उनके जान पहचान के ही हैं सारे, इनको पूछ के लेके गए थी। विजय कुमार। कैसे हुआ ये हादसा और आपके साथ थे ये, आपके नॉन थे ये? हाँ जी, साथ में पीछे बैठे थे, मैं पूछ रहा था, इनसे बात कर रहा था, तो ये कह रहे हैं हमें मेरी लड़की के पास लड़की हुई है, उनसे मिलने जा रही हूँ। तो पीछे जब बैठे थे एकदम चक्कर आया, पता नहीं क्या हुआ, और चुन्नी इसकी टायर में अड़क गई और उससे पीछे गिरने के साथ ही उसकी। आपके नॉन है, आपके घर के पास? हाँ जी, गांव में साथ में है, घर के पास ही है। इस तरह के वक्त करीब 9 बजे एक फोन आया था, सानू भी एक एक्सीडेंट हो गया, तो उत्थे माता दी जिहड़ी मौत हो चुकी है, तो जिहड़े मौके ते ही जाके देखिया तो उत्थे उहदा जिहड़ी माता दी लाश सीगी सड़क के किनारे ते पई सी, ते जिहड़ा सिर सीगा उहदा धड़ नाल वक् होइआ पिआ सीगा। उहदे मौके ते उहदे सुखपाल कौर दा जिहड़ा बेटा सीगा जसवीर सिंह सानू मिलिया, जी ने उहने आपदे बयान विच लिखाया वी जिहड़ा इह मेरी माता साडे जिहड़े गवांढी सीगे विजय कुमार ते एक उहदा दोस्त सीगा, ये मुक्तसर डेली अप डाउन करते हैं, तो आ जो करफ्यू लगे होने करके कोई साधन नहीं सीगा, वो मोटरसाइकिल से सवार होकर तीन जने जा रहे थे जी। और रास्ते जी माता की चुन्नी चैन के फस गई सी, फिर जी धौन जी धड़ नाल वक् हो गई। तो वो बयान से लड़के के बयान से जी असी 176 सी अरबी तहत कार्रवाई अमल च लिया जा रही है जी। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਸਮਾਧਾਨ।